चलिए निम सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सुरभि कुमारी से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 370 है, जो कि पटना बिहार से हैं। तो सुरभि, ऑल इंडिया रैंक 370 के लिए सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर। तो सुरभि, क्योंकि आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकाला, ये अलग बात है, आपने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट की थी, क्योंकि आप बिहार से हो तो बिहार में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो आपका जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कब से आपने निमसेट के लिए सोचा था, 12th के बाद या उसके बीसीए मतलब ग्रेजुएशन के दौरान कब, और फिर किस ढंग से आपने पूरे साल इम्पिटस के साथ प्रिपरेशन की, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा यूं तो मैं एमसीए करना सोचा नहीं था कि एमसीए करूंगी आगे जाकर, तो ऐसे ही बस सोचते थे कि बीसीए तो बस यूं ही ले लिए 12th के बाद, क्योंकि जेई में उस समय निकला नहीं था, जेई मेंस दिया ठीक था। है, तो फिर उसके बाद सोचे कि यू मैथ्स में इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट था, तो बीसीए ले लिया। उसके बाद लगा कि सब लोग बोलते थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तो लगा था कि ठीक है ग्रेजुएशन कर ले तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और फिर बीसीए के बाद सेकेंड ईयर के बाद पता चला कि एमसीए कुछ होता है जो जिससे एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं, तो लगा कि हाँ चलो उस समय जेईई मेंस तो दे नहीं, जिससे एनआईटी का सपना तो रह गया था। तो फिर पता चला तो लगा कि एक होप सा कि कर सकते हैं। तो पर फिर भी था थोड़ा कि गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे ज्यादा ही नहीं, पटना बिहार में होता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो लेकिन मुझे टेक्निकल फील्ड में जाने का मन था, तो इसीलिए मम्मी पापा से बात की कि एमसीए होता है एक चीज, उससे एनआईटी में जा सकते हैं। तो फिर मम्मी पापा भी बोले ठीक है तुमको अगर मन है तो तुम देखो, तुमको एग्जाम देना है। तो पर लास्ट ईयर उतना प्रिपरेशन हुआ नहीं था, नहीं कर पाए थे। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में बहुत लेट से मिला डिग्री कम्प्लीट हुआ, तो सोचे कि सब लोग ड्रॉप तो लेते ही हैं, फ्रेंड्स लोग से भी पूछे तो वो लोग बोले हाँ तुमको लगता है तुम कर सकते हो तो ड्रॉप ले लो। तो फिर ड्रॉप ले लिए, तो उसके बाद पहले ही से पता था इंपेटस गुरु के बारे में, क्योंकि आपका वीडियो देखते रहते थे कभी कभी इंटरव्यूज वगैरह, और अवार्ड सेरेमनी भी देखे तो अच्छा लगता था, लगता था कि कभी हम भी वहां पे कभी जा सकते हैं। तो फिर यूं ही एडमिशन ले लिए पिछले साल जून में। उसके बाद सर आपसे जुड़े, उसके बाद क्लास की बहुत अच्छा लगा सर, सब कुछ इतने अच्छे से समझाते थे, बहुत अच्छा लगता था, फील होता था। मैथ्स में इंटरेस्ट मेरा शुरू से ही था, तो आपसे पढ़ने के बाद एक अलग ही लेवल पता चला, एक अलग ही थॉट आया कि नहीं ऐसे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, कंसेप्ट वगैरह इतने अच्छे से सर समझाते थे कि मैथ्स को एंजॉय करने लगी पढ़ने के साथ साथ। तो फिर ऐसे ही करके फिर आपकी बातों को सबको फॉलो किया, टेस्ट होते थे उनके, एनालिसिस करते थे सारा मॉक टेस्ट, डे वन से लेके लास्ट वार्म अप टेस्ट तक सारा टेस्ट दे, तो वही सारा सब कुछ हो गया था। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं कर सकते हैं, घर में भी सबको बोल दिए थे कि नहीं कर लेंगे इतना है। तो फिर एग्जाम के दिन, फिर एग्जाम के दिन गए, तो फिर थोड़ा सा सर क्या हुआ था कि एग्जाम के दिन थोड़ा सा नर्वसनेस हो गया था एग्जाम हॉल, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था। सीयूटी तो दिए थे पर उसमें लगा था कि नहीं जाना तो एनआईटी में ही, एमसीए अब एनआईटी से ही करेंगे, तो नर्वसनेस हो गया। तो थोड़ा सा फर्स्ट आवर में क्या हुआ था कि थोड़ा सा बिगड़ गया था, लेकिन फिर संभाले खुद को, लगा कि नहीं करना तो है, ये लास्ट मौका है मेरे पास करके रहना। तो फिर वही फिर संभाले, उसके बाद फिर जैसे जैसे हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया, लेकिन फिर संभाल लिया पेपर, उसके बाद फिर मार्क्स आया। फिर एग्जाम के दिन तो लगा नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, श्योर नहीं थे, फिर रैंक आया तो फिर लगा कि हो गया चलो। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपने अभी बोला कि फर्स्ट आवर में थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, अगर सपोज वो फर्स्ट आवर में स्ट्रेस नहीं हुआ था, तो 3 डिजिट रैंक मैं श्योर हूँ आपकी 2 डिजिट रैंक होती। पर और क्योंकि इस बार टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत था, पहले तो 2 घंटे का पेपर था पूरा, अब आपने अगर 1 घंटा निकाल दिया तो इसका मतलब है आप एक सेक्शन से एक तरह से आउट हो गए, तो आपके पास स्कोप ही खत्म हो जाता है, फिर दूसरे सेक्शन पे ही आपको वर्क करना होता। पर फिर भी मैथ्स ही थोड़ा बोलते सा हो हैं, गया था लेकिन फिर हाँ मैनेज कर लिया। वही बोलते हैं, अंत भला तो सब भला, आपने बाद में संभाल लिया, ये अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि कई बच्चे जो इस कई बार होता है, हर साल की ये कहानी, कि कुछ बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो ये आपकी बात सुन के कहीं ना कहीं वो इस बात से मोटिवेट होंगे। अच्छा, जब आपने ड्रॉप लेने का मन बनाया, मतलब क्योंकि वो तो बिहार के वैसे बना नहीं था, और फिर आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिला होगा, पर इंटायर ईयर आपके मन में कभी कोई ऐसा थॉट आया कि 1 साल का क्या होगा, या इस तरह का कोई? लगा तो था सर कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर बस बस कुछ सोचे नहीं, बस लगा कि नहीं खुद पे भरोसा करो, कॉन्फिडेंस रखो। और सर आप इतना सारा मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह सब कुछ बता देते, उससे लगता था कि नहीं कर सकते हैं, आप खुद पे बिलीव किया, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन सब कुछ फॉलो किया सर आपकी बात को, और फिर लगा था कि नहीं कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। तो फिर उसके बाद बस की बातों को फॉलो करते गए तो हो गया सर। तो सुरभि, अभी बताओ अपने जूनियर को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली गर्ल्स को? ये जो आपने एक बात बोली कि बिहार में या कई स्टेट में ऐसा एक बहुत कॉमन कल्चर है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, पर गवर्नमेंट में अब जॉब बहुत कम हो गई,
और उसमें कुछ पता ही नहीं होता, इतना अनसर्टन होते हैं, तो आपका क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा? सर बस यही हो कि जो मन करे, जो पैशन हो, जो इंटरेस्ट हो, उसको पहचानो और उसी के रास्ते पे आगे बढ़ो। किसी के प्रेशर, फैमिली को अगर प्रेशर कर रही है तो फैमिली को भी समझाइए, फैमिली जरूर समझेगी, जैसे मेरे मम्मी पापा समझे वैसे आपके भी मम्मी पापा जरूर समझेंगे, और बस जो इंटरेस्ट है उसी को फॉलो करेंगे तो उसमें आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। वेरी गुड। तो सुरभि, मैं चाहूंगा अगर आपके पेरेंट्स हो तो उनसे भी मिलूं, उनको भी बधाई दूं इतनी अच्छी रैंक की आपकी। मम्मी है जी नमस्ते सर, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको सुरभि नमस्कार की रैंक के लिए बहुत सारी बधाइयां। जी, थैंक तो अब आपको कैसा लग रहा है, सुरभि को, सुरभि ने गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं गई, पर वो जिस फील्ड में जा रही है बहुत अच्छी फील्ड है, सॉफ्टवेयर फील्ड, और ये बहुत जल्दी बहुत ग्रो भी करेगी, मैं आपको बताऊं। तब आपको कैसा लग रहा है? सर। अच्छा लग रहा है, अच्छे से अपना तैयारी की है, अच्छे से कामयाबी हासिल की है, जो भी रैंक आए हैं उससे हम लोग को खुशी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई सुरभि, वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको ऐसे ही आगे परफॉर्म करना है एनआईटी जाके भी। यस सर, यस सर। चलिए नमस्कार।